रणदीप हुड्डा ने बीते साल के नवंबर महीने में एक्ट्रेस और मॉडल लीन लेशराम के साथ मणिपुर के इम्फाल में बेहद ही सिंपल ट्रेडिशनल शादी कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बाद में 11 दिसंबर 2023 को न्यूलीवेड कपल ने मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी होस्ट की थी। तब से ये जोड़ी लगातार कपल गोल सेट कर रही है। वहीं हाल ही में रणदीप को अपनी नई नवेली वाइफ लीन के साथ एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था। ये जोड़ी अपने हनीमून के लिए रवाना हुई थी और अब कपल ने अपने हनीमून की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। रणदीप और लीन ने डोमेस्टिक ट्रैवल करने और इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसी वजह से कपल अपने हनीमून के लिए केरल पहुंचे हैं। रणदीप हुड्डा और लीन लेशराम ने अपने इंस्टा हैंडल पर दो तस्वीर शेयर की। पहली तस्वीर में कपल सेल्फी क्लिक कराता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर में रणदीप और लीन साल 2023 के आखिरी सनसेट को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों नेचर से घिरे हुए दिख रहे हैं। इस दौरान रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में दिखाई दे रही हैं। वहीं इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, लास्ट सनसेट ऑफ 2023। रणदीप और लीन हर बार नए गोल सेट कर रहे हैं। इस जोड़े ने न केवल डोमेस्टिक ट्रेवल करने का ऑप्शन चुना, बल्कि अपनी पोस्ट के जरिए इस जोड़ी ने लोगों से भारत की यात्रा करने और घूमने की अपील भी की। रणदीप हुड्डा के वर्क फ्रंट की बात करें, जल्द ही एक्टर की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था। टीजर में रणदीप के लुक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी।